हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, यस गाइस, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। हमने कुछ शेयर कर दिया पहले, वो कर देना। स्टूडेंट्स, आज हम जुलाई का करंट अफेयर करने वाले हैं। फर्स्ट टू वीक्स का हम लोग आज करंट अफेयर कवर अप कर लेंगे। ओके, माइक इज ऑन। क्या कर रहे हो? ये मैं कर लूंगा। okay. ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, आप बाकी सब स्टूडेंट्स को भी बोल दीजिए, आपके जो भी मित्रगण हैं। आपने से शेयर नहीं किया? अच्छा, ठीक है ठीक है, टेलीग्राम पे कर दीजिए। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सब लोगों के साथ। आई होप आप सबका एग्जामिनेशन अच्छा चल रहा होगा। कौन कौन आ गए? अनमोल आ गया, दीपक, खुशी, मनीषा, अगता, अभिषेक, विनी। हेलो एवरीवन, संस्कृत इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो जुलाई का फर्स्ट टू वीक्स का करंट अफेयर है बेटा, और मुझे नहीं लगता कि जुलाई आएगा एग्जामिनेशन में। तो अगर आपका मन है या ऑलरेडी रिविजन हो चुका है तब आप लगा लीजिए क्लास को, अदरवाइज आई डोंट थिंक इसका आपको जरूरत ज्यादा है इस वाली क्लास का। यू कैन रिवाइज, जिन बच्चों का कल पेपर है वो लोग रिवाइज करें। गुड इवनिंग आनंद पटेल, गुड इवनिंग एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? ओके ओके ओके, चलिए स्क्रीन विजिबल हो चुका है, एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हम पहले सवाल के साथ चलते हैं आगे की तरफ। जुलाई का करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन क्लासिफाइड एज अ पुअर, अप्रोक्सीमेटली आइडिया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के अकॉर्डिंग आपके कितने लोग पुअर है पूरी दुनिया के अंदर? तो इसका आंसर क्या आपका 2.1 बिलियन लोग जो है वो पुअर है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। कोई मुझे बताना चाहेगा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कौन से ईयर में आपका यूएनडीपी बना था? यूएनडीपी का आंसर फटाफट आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। 10 सेकेंड्स का टाइम है आप सबके पास, 10 सेकेंड का टाइम है सबके पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1965 न्यूयॉर्क, ये 1965 में बना बेटा आपका, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? न्यूयॉर्क के अंदर। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर है कि जो गरीबी है उसमें आपके कितने लोग आपके टोटल इंक्लूडेड हैं। हाउ मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन क्लासिफाइड एज अ पुअर, जिनको गरीब बोला जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यही रिलीज करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भी इसी का नोटवर्दी आप मान सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
इंडेक्स को डेवलप किया था एक पाकिस्तानी व्यक्ति, उस पाकिस्तानी व्यक्ति का क्या नाम है भैया, नाम बताइए उस पाकिस्तानी का क्या नाम है आपका, जिसने आपका इंट्रोड्यूस किया था आपका एचडीआई, एचडीआई को डेवलप किया था किसने? एनी वन ऑफ यू गाइस, एनी वन जल्दी से बताइए सुपर फास्ट, जल्दी से क्या नाम था उनका, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बच्चों, क्या नाम होगा उनका? इनका नाम था बेटा महबूबुल हक, उनका नाम क्या था आपका? महबूबुल हक। महबूबुल हक कहां से बिलोंग करते हैं आपके? पाकिस्तान से। महबूबुल हक जो थे ये आपके इंट्रोड्यूस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। तो कितने गरीब हैं आपके? 2.1 बिलियन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? यूएनडीपी। और 1965 में क्या बना था आपका? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। नेक्स्ट है आपके पास ये, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एंटायर एरिया ऑफ विच स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मंथ्स अंडर अफ्सपा। अफ्सपा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम सब लोगों के लिए। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आपका जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 की आपकी देन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जहां पर भी 1976 का एक एक्ट है आपका द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर डिस्टर्ब्ड एरिया है वहां पर मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आपकी जो आर्मी या फिर आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको स्पेशल पावर दी जाती है ताकि वो लोग उस एरिया के अंदर जो इंसर्जेंसी आपकी फैली हुई है उसको क्या कर सके, आपका काउंटर कर सके। और अभी लेटेस्ट ये कहां पर लगा आपका? नागालैंड के अंदर। आपका अफ्सपा आपको याद रखना है, अफ्सपा के अगेंस्ट में एक महिला थी जिन्होंने जो फास्ट रखा हुआ था, जिन्होंने आपका, उनका नाम है इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला जो है उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी बट वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रही अपने राजनीतिक करियर में। तो याद रखिएगा अफ्सपा के अगेंस्ट एक लेडी जिन्होंने अपना प्रोटेस्ट रखा था, जो भूखी रही थी आपकी सालों साल, उनका नाम क्या आपका? इरोम शर्मिला। उनका नाम क्या आपका? इरोम शर्मिला। फिर उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, अभी तो पुराना न्यूज हो गया, ये आपका एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट आपको याद रखना है कि अफ्सपा से रिलेटेड एक लेडी, इनका नाम क्या आपका? इरोम शर्मिला। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये कौन सी स्टेट से आपकी बिलोंग करेंगी। अच्छा, अफ्सपा वहां पर लगाया जाता है जहां पर विद्रोह शुरू हो जाता है सरकार के अगेंस्ट या फिर आपका आम रेबिलियन हो जाए वहां पर। इसके साथ साथ एक आपका अगस्त 2019 में ना एक बिल आया था बच्चों, जिसका नाम क्या था आपका? यूपा बिल। यूपा बिल के बारे में आपने सुना होगा, अनलॉफुल एक्शन, आपका जो अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंट, सॉरी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल। ये जो था यूपा बिल, जो था आपका यूपा बिल, आपके देश के गृह मंत्री लेकर आए आपका, ये क्या आपका? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल के अंदर क्या है, पहले ना इंडिया में एक रूल था कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर सकते हो कि वो एक टेरर आउटफिट है, बट यू कैन नेवर एवर डिक्लेयर एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। आप बाहर के लोगों को डिक्लेयर करते थे बट आप भारतीयों को डिक्लेयर नहीं करते थे इसके अंदर। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। इसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो था यूपा के अंदर अब की बार क्या था, नाउ इंडिविजुअल कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट। और इसकी जांच कौन करता है आपका? एनआईए। एनआईए इसकी जांच करेगा और अल्टीमेटली यूपा आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कई राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में थी, कहीं आपकी फेवर में थी। ठीक है, राज्यसभा में आपका पास हो चुका है बिल। आई होप इतना सबको क्लियर है। अफ्सपा के साथ साथ आप लोग एक चीज और देख सकते हैं, आईएलपी। आईएलपी क्या होता है आपका? इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट होता है एक प्रकार से स्टेट वीजा, यानी कि भारत की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पर्टिकुलर एरियाज में जाने का आपको वीजा मिलता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद आपको वहां से निकलना पड़ता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में आईएलपी इनर लाइन परमिट जो है वो कितनी स्टेट्स में एट प्रेजेंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जल्दी से सुपर फास्ट आना चाहिए आप लोगों का आंसर इसके अंदर। चलिए, आई होप इतना क्लियर है सब बच्चों को, क्लियर टू ऑल। ओके 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 ओके। हाँ, यूपा पटेल, यूपा के बारे में दीपक पटेल ने लिखा है 1967, 2004, 2008, 2012, 2019। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आपका। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट अपने पास व्हाट इज द इंक्रीज इन एफडीआई इन इंडिया
ड्यूरिंग 2019-20 एज पर इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन डेटा रिलीज बाय आरबीआई, आरबीआई के अकॉर्डिंग भारत में जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना ज्यादा पैसा भारत के अंदर इंक्रीज हुआ है, लगभग भारत में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर हुआ, भारत में लगभग कितना पैसा है आपका ऑलमोस्ट $50 बिलियन आपका भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ। अब आपको मुझे ये बताना है कि भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, बच्चों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे सवाल आते हैं, अब मेरा सवाल ये है कि डिफेंस में 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट आपका इन्वेस्टमेंट करने का आपका प्लान है, क्योंकि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है अगर आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा, डेफ एक्सपो जो फेब के अंदर हुआ था आपका, डेफ एक्सपो मतलब डिफेंस का आपका एक्सपो हुआ लखनऊ के अंदर, और भारत का टारगेट है कि लगभग भारत 40,000 करोड़ से ऊपर के आर्म्स क्या करना चाहता है आपके बाहर सप्लाई करना चाहता है, ठीक है। तो हमने इनवाइट किया है रशिया, अमेरिका और आपका फ्रांस, इन सब देशों को कि आप हमारे देश में आए और यहां पर आकर आप क्या बनाएं हथियार, और हम हथियार किसको बेचेंगे आपके जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी हम इंडिया में बुलाते हैं, और इनफैक्ट हमने डेफ एक्सपो के अंदर भी उनको इन्वाइट किया। अभी यहां पर भारत में कितने बिलियन डॉलर का आपका इंक्रीज हुआ है कोई बताना चाहेगा? $19 बिलियन, लगभग पहले 32 बिलियन के आसपास था, अभी कितना हो चुका है आपका 31 बिलियन के आसपास था, अभी कितना हो चुका है आपका $50 बिलियन, और FDI अट्रैक्ट करने में यानी के बाहर के देशों से हमारे देश में पैसा आने में जो भारत देश है वो कौन से नंबर पे आ गया, हमारा इंडिया का रैंक क्या है इसके अंदर आपका, जल्दी से बताइए इंडिया का रैंक क्या होगा आपका, सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए आपका, 9th रैंक कि दुनिया में FDI अट्रैक्ट करने में 2019 में भारत 9th रैंक पे रहा, और 2018 में जो इंडिया का रैंक था वो क्या था आपका फर्स्ट रैंक, इंडिया का रैंक फर्स्ट था, और अब की बार हम 8 पोजीशन नीचे चले गए, फर्स्ट पे US आ गया, दूसरे पे चाइना आ गया, और आपका 9th नंबर पे कौन आ गया आपका इंडिया। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन क्लियर है, आई होप वी आर नॉट मूविंग एट अ फास्ट स्पीड। बिल्कुल विनी ने एक बहुत ही सही चीज याद दिलाई है यहाँ पर, डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर मेड इन UP एंड तमिलनाडु, डिफेंस मिनिस्ट्री का जो आपका कॉरिडोर है बेटा वो कहाँ कहाँ पर है आपका, UP एंड तमिलनाडु दो जगह पर आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, वेरी गुड शाबाश, वेल डन एवरीवन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, शाबाश, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ इसी के अंदर हम देख लेते हैं, FDI सबको समझ आता है ना, FDI जो है क्या रहता है कि अगर बाहर से कोई भी देश आकर, किसी भी देश की कोई कंपनी भारत में आकर 9.99% या फिर यू कैन से 10% से अधिक हमारी कंपनी के शेयर खरीद ले, और 10% से अगर कोई ज्यादा शेयर हमारी कंपनी के खरीदता है या फिर 10% हमारी कंपनी की जितनी वैल्यू है उतना उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका FDI। तो याद रखिएगा FDI का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10% आपका, और अगर इससे नीचे जाता है तो बच्चों वो क्या होता है आपका FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आई होप इतना क्लियर होगा सबको, दोनों के दोनों आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है। आपकी बात टोटल $50 बिलियन आपका इंडिया में आपका आया है, ठीक है, पिछले साल $50 बिलियन हमने इन्वेस्टमेंट अपने इंडिया के अंदर मंगाई है, मतलब आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है, 19 बिलियन से। चलिए नेक्स्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, हाउ मेनी चाइनीज एप्स, कितनी चाइनीज एप्स जो है जिनको बैन किया गया है मिट्टी के द्वारा, जो मिट्टी है आपका ये एक मिनिस्ट्री हमारी, इस मिनिस्ट्री के बारे में जल्दी से इसका फुल फॉर्म कोई मुझे बताना चाहेगा, मिट्टी का फुल फॉर्म क्या होगा, Anyone wants to tell me this? कोई भी आप में से, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Electronics and Information Technology, इसका full form क्या है? Ministry of Electronics and आपका Technology, ठीक है? अच्छा, मिट्टी के जो मिनिस्टर है इस टाइम पे, उन मिनिस्टर का नाम क्या आपका, इनको बोलते हैं SS Ahluwalia, इनका नाम क्या आपका SS Ahluwalia, Ahluwalia, तो आप याद रखिए कि आलू भाई साहब कहां पर है हमारे, हमारी IT इंडस्ट्री के अंदर, SS Ahluwalia, ठीक है।
आई होप इतना क्लियर है सबको। एसएस अहलूवालिया की कहां पर इन्होंने क्या किया आपका लेटेस्ट बाय यूजिंग दिस सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट ऑफ 2000 जो आईटी का एक्ट है वो 2000 के अंदर बना था उसके अकॉर्डिंग 59 चाइनीज एप्स को हमने क्या कर दिया बैन कर दिया। अच्छा आज ही का क्वेश्चन है आपकी और कितनी एप्स इंडिया आपका बैन करने वाला है जो चाइनीज ओरिजिन की है जो बिल्कुल क्लोन टाइप चलती है उनको भारत क्या करने वाला है आपका बैन करने वाला है। ये आज के लिए आपका सवाल है आप इसका आंसर मुझे फटाफट दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे इनके अंदर जो भी चीजें थी वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ओके हाउ मेनी वुमेन वर मिसिंग इन इंडिया ओवर द पास्ट 50 इयर्स भारत में पिछले 50 साल में कितनी महिलाएं जो हैं वो आपकी गायब हो चुकी हैं कितनी महिलाएं जो हैं भारत में गायब हो चुकी हैं कोई बताना चाहेगा मुझे। फिफ्थ का आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर इसका आंसर क्या है 45.8 मिलियन यानी कि 45.8 मिलियन औरतें जो हैं पिछले 50 साल में भारत देश के अंदर गायब हो चुकी हैं। ये आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है इसके बारे में कोई जानता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में एनी वन वॉन्ट्स टू से एनीथिंग यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में। इस ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा 1969 में बनी थी एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जो 1969 के अंदर आपकी बनी थी और इसका आप ऐसा मान के चलिए कि इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है आपका न्यूयॉर्क। आपकी जितनी भी पेरेंट ऑर्गेन जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसकी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहां पर है आपकी न्यूयॉर्क के अंदर और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी कहां पर है आपका न्यूयॉर्क के अंदर ठीक है 1969 में बनी थी। अब इनका जो मतलब इनका जो मेन मोटिव है या फिर इनका काम जो है ये पूरे वर्ल्ड को ना आपका एक संदेश देना चाहते हैं जिसका मतलब है कि एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड। इनका मानना क्या है कि एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल इज फुलफिल्ड। इनका जो मोटिव है वो क्या है आपका आपको याद रखना है कि एवरी प्रेगनेंसी ये क्या बोलते हैं कि एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ हर बच्चे का जो जन्म है वो सेफ होना चाहिए एंड एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल इज फुलफिल्ड कि आप में कोई पोटेंशियल है तो आपका फुलफिल किया जाए ठीक है। तो याद रहेगा सबको ये ऑर्गेनाइजेशन क्या आपका 1969 में बनी हुई है ये बोलते हैं कि आपका हर प्रेगनेंसी जरूरी है और मतलब वॉन्टेड है आपका मतलब उसकी जरूरत है आपकी और उसके बाद आपका एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ और इनके अकॉर्डिंग भारत भारत में 45.8 मिलियन महिलाएं क्या होगी आपकी गायब हो चुकी हैं मिसिंग हैं पिछले 50 साल में ठीक है। ओके 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 ठीक है ओके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में है बेटा वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मैंने बताया एसएस अहलूवालिया वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ठीक है। चलिए नेम द इंडियन सिटी वेयर इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। अब प्लाज्मा बैंक क्या है आप लोगों ने कोविड 19 के बारे में जाना कि कोविड 19 में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि एक काम किया गया कि ठीक है कोविड 19 का इलाज कैसे करेंगे कोविड 19 का इलाज करने का कैसे सोचा कि जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी बॉडी में ना एंटीबॉडीज आ चुकी हैं और एंटी आपका जो प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन अगर हम कर देते हैं अगर प्लाज्मा हम एक ठीक आदमी जो है उसका प्लाज्मा आपकी बॉडी में डाल देते हैं जिसको कोविड 19 हो चुका है तो वो आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने का ठीक है। और इसके लिए जो पहला आपका प्लाज्मा बैंक बना है वो कहां पर बना आपका न्यू दिल्ली के अंदर। आपने देखा होगा कि दिल्ली के बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल को टैग कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमने आपसे इंस्पायर होकर क्या कर दिया यहां पर अपना ब्लड डोनेट कर दिया। बट जो पहली स्टेट जिसने काम किया था आपका उसका नाम क्या बेटा आपका केरला। केरला वाज द फर्स्ट स्टेट केरला आपका केरला मतलब केरला जो है आपका वो पहला आपका स्टेट है जहां पर क्या हुआ आपका इंट्रोड्यूस किया गया किसको आपके प्लाज्मा थेरेपी को यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके हाँ एंटीडोट मान सकते हैं आप ये चीज कि एंटीडोट टाइप हो गया। What is the amount that was approved by that was provided by World Bank to India for MSME emergency response program? अब आप मुझे मेरा भी दिमाग पढ़ के आप लोग बता सकते हो कि MSME से related क्या क्या सवाल मैं पूछ सकता हूँ आपसे champion portal के बारे में और total आत्मनिर्भर package जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया उसमें MSME को कितना part उसके अंदर से allocate किया गया 3 लाख करोड़ किया 4 लाख करोड़ किया 5 लाख करोड़ किया कितना पैसा MSME को दिया गया और एक चैंपियन पोर्टल भारत सरकार ने डेवलप किया है किसके लिए आपके MSMEs के लिए। चैंपियन का फुल फॉर्म अभिषेक जसूजा वापस लिख दो जल्दी से सुपर फास्ट सब बच्चे फटाफट लिख दें कि चैंपियन का फुल फॉर्म आपका क्या होता है जल्दी से आंसर आना चाहिए बेटा सबका।
जल्दी से बताइए फटाफट फटाफट। इस वाले एमएसएमई में आपको चैंपियन का फुल फॉर्म लिखना है, उसके बाद आपका यूएस डॉलर यूएसडी 750 मिलियन जो है हमें पता है कि क्या दिया आपके वर्ल्ड बैंक ने हमारी एमएसएमई के लिए, क्योंकि अगर एमएसएमई बंद होगा तो एमएसएमई क्या करता है, जो आपके अनऑर्गेनाइज लेबर है ना उसको कुछ भी करके 5-7 लोग उसके अंदर अटैच रहते हैं। जैसे हमारा जो बोल सही है अभी जयपुर के अंदर, वी आर ऑपरेटिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज बट फ्रेंकली स्पीकिंग वी हैव अ टीम, हमारे पास एक टीम है 5 से 6 लोगों का जो आजीविका है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, जो फैकल्टीज है 2-3 उनका आपका पूरा जो पूरा सब कुछ करने का काम है वो हमारे पास है, जो आपका बुक्स को प्रिंट करते हैं भाई साहब वो हमसे जुड़ा हुआ है, जो साइड में गायत्री बेकर है बेचारे की उसकी सेल रुक गई है क्योंकि शुभ आजकल कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर चुका है। तो सारे लोग जो है ना एमएसएमई से जुड़े होते हैं, तो एमएसएमई की मदद करने का फैसला किसने लिया, आपकी सरकार ने, मतलब सरकार ने फैसला लिया और वर्ल्ड बैंक भी इसके साथ आ चुका है। आई डोंट थिंक मुझे वर्ल्ड बैंक के बारे में और कुछ बताने की आवश्यकता है क्योंकि हम मल्टीपल टाइम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, एज पर फिच रेटिंग्स, फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग इंडिया का ग्रोथ रेट 2022 के अंदर क्या रहने वाला है। ये एक अच्छी खबर है कि फिच ने बोला है कि भारत जो है वो 8% पे ग्रो करेगा 2022 के अंदर, तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज, मतलब एकमात्र सिल्वर लाइनिंग फिच अपने को दे रहे कि 2022 में हम 8% की ग्रोथ रेट पे आ जाएंगे। अगर कलेक्टिव ग्रोथ 8% की होती है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, 8% का ग्रोथ इज वेरी वेरी गुड, बट हाँ हम थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो एक ग्रोथ हमें इतना ज्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, बट फिच ने बोला है कि इंडिया 8% से क्या करेगा 2022 के अंदर आपका ग्रोथ। आपका मूडी, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P आपकी तीन क्या है, आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये क्या प्रोवाइड कराती है आपका क्रेडिट रेटिंग, यानी कि एक देश के बारे में कि उसकी कैपेसिटी कैसी है, वो आपका लोन लेकर वापस देता है नहीं देता है, हर चीज का रिपोर्ट ये लोग तैयार रख हैं। और इनफेक्ट अगर आपको किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए कि मेरा मन है कि कल को मुझे ना किनहासा के अंदर अफ्रीका के अंदर जाकर मेरे को एक काम करना है, रवांडा के अंदर मैं गया और मेरा काम है कि वहां पर जाकर ना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है रवांडा में, अब मैं क्या करूंगा, मैं मूडी के पास ना एप्लीकेशन डाल सकता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर इन रवांडा। तो ये एक रेटिंग एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है, मूडीज क्या करेगा पूरा रिसर्च करने के बाद, सारी चीजें कंसल्ट करने के बाद फिर अल्टीमेटली मेरे पास आएंगे, मुझे बोलेंगे कि हाँ अगर आपको एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना है ना तो एक तो ऑप्शन आपके पास रवांडा में एक जगह है और दूसरी जगह और हम आपको बताते हैं और कौन कौन से आपके पास ऑप्शन रहेंगे वो भी हमें बता देते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा आपको, और ये मतलब इनको सबसे क्रेडिबल सोर्सेज माना जाता है, मूडी, फिच और आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर, भारतीय कंपनियां भी रेटिंग देती हैं बट वहां पे थोड़ा फेवरेटिज्म आ जाता है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा, तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका न्यूयॉर्क के अंदर। विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद नासकॉम यूएनडीपी, नासकॉम क्या है, नासकॉम का फुल फॉर्म फटाफट आप लोग लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। नासकॉम मैं बता चुका हूं कि आपका 1998 में बना, 1988 में बना था। यूएनडीपी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब बना आपका 1965 में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका न्यूयॉर्क के अंदर। एंड प्रथम इंफोटेक फाउंडेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट है, रोल्ड आउट ग्लोबल भारत प्रोग्राम टू डिजिटलाइज एमएसएमईज, एमएसएमईज को डिजिटलाइज करने का प्लान किया गया और इसमें कौन आ रहा है आपका सैप इंडिया, इनका पार्टनर कौन है आपका SAP इंडिया। पेपर में ऐसा आ सकता है कि इन डिजिटलाइजिंग दी एमएसएमईज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टनर, तो अपने को पता है कि नासकॉम भी है, यूएनडीपी भी है, प्रथम इंफोटेक भी है और साथ में कौन है आपका SAP इंडिया, ठीक है सैप इंडिया। एमएसएमई का डिजिटलाइजेशन में फेसबुक और गूगल नहीं आएगा, वैसे गूगल इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के डिजिटलाइजेशन में बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एमएसएमई, वो आपका एमएसएमई में इंक्लूडेड नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है बिल्कुल 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 ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, विच कंट्री प्लान टू होस्ट 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट वर्चुअली, आपकी एशिया पैसिफिक जो है वो
पूरा उसका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है आपका, उसकी समिट जो है वो कहां पर होने वाली है आपकी, न्यूजीलैंड के अंदर। वर्चुअल का मतलब क्या है, रियल समिट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी आपकी, वर्चुअल समिट। और हमें पता है कि इस पेंडेमिक के अंदर हमें कई लोगों के लिए क्या हो चुका है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आपको पता है कि जब भी कोई समिट होती है तो हर जगह के नेता, राजनेता, आपके जो मीडिया है वो सब लोग विजिट करते हैं साथ में, और उसका बहुत कॉस्ट पड़ता है। बट अभी सब लोगों को पता चल गया कि यार हम मीटिंग्स ना ऐसे भी कर सकते हैं, गूगल पे हमारी मीटिंग्स चल सकती हैं, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है। बट याद रखना कि एशिया पैसिफिक आपका कहां पर होने वाला है, न्यूजीलैंड के अंदर। 2021 है ना, 2021 में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो भी कहां पर होने वाला है आपका, महिलाओं का, 2021 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी कहां पर होने वाला है आपका, न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे की हम लोग बात करते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन जुलाई 1। भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे इन 2020? इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। बट डॉक्टर्स डे के बारे में आपको समझा देता हूँ। भारत के एक व्यक्ति के नाम पर ये मनाया जाता है जो एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर भी रहे। फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ वो जो भाई साहब थे, आप ऐसा मान के चलिए कि उन्होंने आपके डॉक्टरी का भी काम किया, मैथमेटिशियन भी वो आदमी थे। बंगाल के आपके ये दूसरे नंबर के क्या थे आपके सीएम, 1948 से लेकर आई थिंक 1964 तक ये आपके सीएम रहे वेस्ट बंगाल के। इनका नाम है आपका डॉक्टर बीसी रॉय। इनका नाम क्या आपका, डॉक्टर बीसी रॉय। बीसी का मतलब यहां पर क्या आपका, विधान चंद्र रॉय। इनका नाम क्या आपका, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। नेशनल डॉक्टर्स डे जो है आपका 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर इतनी चीज। नेशनल डॉक्टर्स डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपका 1 जुलाई पे। और सबको पता है कि अभी सेलिब्रेट करने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस टाइम पर डॉक्टर्स की वजह से ही क्या है, हम लोग जिंदा है। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ COVID-19, इसकी अब की बार थीम क्या थी, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ COVID-19। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा कि नेशनल डॉक्टर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। जुलाई 1 को इनका बर्थडे आता है। और डॉक्टर्स डे के ऊपर एक अवार्ड भी मिलता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब की बार ये अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे याद रखिएगा। इन पर्सनालिटी के बारे में, ये आपके क्या थे, आपके डॉक्टर साहब थे, और साथ में क्या थे, पॉलिटिशियन भी थे, फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, सब काम करते थे आपके। ठीक है, पॉलिटिशियन भी थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, आपका भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है। अब आपको ध्यान रखना इनके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और अदर ऑर्गेनाइजेशन में, इनका नाम क्या आपका, इंदिरा मणि पांडे। इंदिरा मणि पांडे भाई साहब जो है, ये आपके पाकिस्तान के अंदर भी रह चुके हैं, बांग्लादेश के अंदर भी रह चुके हैं, ये हर जगह पे इंडिया मतलब अपने जो पड़ोसी देश हैं और जहां पर अपने रेबिलियन टाइप हो चुके हैं, वहां पर सब जगह पे ये व्यक्ति आपका सर्व कर चुका है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया के अंदर। जस्ट वेट अ सेकंड गाइस, ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इंदिरा मणि पांडे के बारे में, इंदिरा मणि पांडे के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जो इंदिरा मणि पांडे हैं, ये आपके एक 1990 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आपके एडिशनल सेक्रेटरी अभी के लिए काम करते हैं। और इनको डिक्ले, इनको बना दिया गया कि आपका इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज वीनस मिशन, वीनस के ऊपर, वीनस को हम बोलते हैं शुक्र ग्रह, भारत जो है वो वीनस के ऊपर जा रहा है, उसका नाम क्या आपका, शुक्रयान 1। ये मैंने आपको जो 300 पेज का पीडीएफ दे रखा है उसके अंदर ये आपका मेंशन है कि शुक्रयान 1 जो है वो आपका 2023 के एंड तक हमारे इसको लॉन्च करने का प्लान है। ठीक है, आदित्य L1 क्या है आपका, ये आपका सन को हम स्टडी करेंगे कि सन की जो आउटर लेयर है वो ज्यादा हॉट है और अंदर वाली जो लेयर है वो क्या आपकी थोड़ी सी कोल्ड है एज कंपेयर टू दी आउटर लेयर। ठीक है, चंद्रयान 3 भी आएगा, चंद्रयान 2 क्योंकि हमारा फेलियर रहा था, हम लैंड नहीं कर पाए थे। एंड गगनयान, गगनयान जो है सबको पता है कि गगनयान में क्या जा रहा है हमारे साथ आपका, व्योमित्रा। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आपका, 300 पेज का पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख लीजिए। व्योमित्रा, व्योम का मतलब क्या होता है आपका, स्काई, और मित्रा का मतलब क्या होता है आपका, फ्रेंड। स्काई फ्रेंड जो है आपका एक फीमेल लुकिंग रोबोट है जो आपके एस्ट्रोनॉट्स के साथ आपका स्पेस में जाने वाला है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सबको।
ISRO कब बना था, वो सब कुछ हम कर चुके हैं बहुत बार, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बट ये याद रखना कि शुक्रयान वन का मिशन डेट डिसाइड हो चुका है कि एंड ऑफ 2023 तक हमें कहां पर जाना है आपका, वीनस पे, ठीक है। हु इज द ओवरऑल विनर ऑफ 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। हम इसको ऑलरेडी एक बार डिस्कस हमने किया था कि कृतिका पांडे ने आपकी एक छोटी सी नॉवल लिखी, और इसने उस नॉवल के अंदर एक आपकी हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बारे में, मुस्लिम बॉय की, कैसे उन लोगों ने प्यार में होते हुए सारे ऑड्स को बीट किया और वो लोग जीत गए और उनका प्यार सफल रहा। कौन है ये आपकी कृतिका पांडे? कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में आपका कंपटीशन होता है और ये मैडम इस कंपटीशन को जीत चुकी हैं, ठीक है। इसके अंदर लगभग 2.5 लाख रुपए, 2,40,000 रुपए का आपका प्राइज मिलता है इसके अंदर, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज है, ठीक है। ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ इफ यू हैव एनी डाउट्स। अरे वाह, व्योममित्र आज किस फ्लैट में आ गया था, ग्रेट। ओके ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट जॉब। चलिए नेक्स्ट है बेटा अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम लोग। Which is the first major industrialized country that has announced to phase out coal and nuclear energy? आपका जर्मनी जो है, जर्मनी ने अपने legislative changes कर दिए हैं and they are saying कि अब ना हम इसको पूर्ण रूप से क्या कर देंगे, rule out, यानी कि ये nuclear energy भी नहीं चाहते side by side। ये क्या नहीं चाहते आपका, आपका coal energy 2038 तक इनका plan है कि जितने भी coal related plant है उन सबको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, coal energy को completely फेस आउट करना है बाय 2038। और इसके लिए $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कौन कर रहा है, आपका जर्मनी। जर्मनी बोल रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री हैं एंड नाउ वी कैन डू दिस एंड वी आर गोइंग टू अवॉइड ऑल ऑफ द कार्बन। इन्होंने कार्बन एक्सप्लोरेशन भी बंद कर दिया है, बट ये अपना जो ब्राउन कोल था उसके साथ काम चला रहे थे, बट 2038 तक इनका टारगेट है कि पूरे कोल के प्लांट को हम क्या कर देंगे, आपका बैन कर देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। और न्यूक्लियर पावर को तो ये इनका जो टारगेट है, न्यूक्लियर पावर को ये लोग कब तक एंड कर देंगे, आपका 2022 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे कि क्वेश्चन ऑफ द मंथ चूज करना है तब भी आप इसको चूज कर सकते हो, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। जर्मनी ने प्लान बना लिया कि कोल को 2038 तक और न्यूक्लियर पावर को 2022 तक हमें क्या करना है, फेस आउट करना है, ठीक है। एंजेला मार्केल ये आपका बोल चुकी है, ठीक है। चलिए, नेम द कंपनी विच इज इन कोलैबोरेशन With ICMR, ICMR National Institute of Virology has developed the first COVID-19 vaccine, Covaxin. Covaxin किसने आपका बनाया है? ये कौन है आपका? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने इसको आपका रिलीज कर दिया। इसका फर्स्ट फेज के रिजल्ट जो है वो काफी encouraging है और सबको इसका रिजल्ट सही लगा है, ठीक है। और वैसे भी ऑक्सफोर्ड ने भी आपका मेरे ख्याल से वैक्सीन पे काम कर लिया है और फर्स्ट और सेकेंड फेज में उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे पाए गए हैं। Which country is the largest contributor of e-waste in 2019? E-wastage मतलब आपका मोबाइल फोन खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आपके अप्लायंसेस खराब हो गए, आप उसको फेंक देते हो, उसका जो पोल्यूशन है उसके अंदर चाइना जो है वो आपका नंबर 1 पे आया है, ठीक है। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे कौन है आपका? USA। नंबर 3 पे कौन है आपका? इंडिया, ठीक है। ग्लोबल e-waste मॉनिटरिंग रिपोर्ट है आपकी, इसके अकॉर्डिंग चाइना ने सबसे अधिक क्या फैलाया आपका? e-waste। चाइना ने सबसे अधिक क्या फैलाया आपका? e-waste। क्लियर है सब लोगों को ये चीज? अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? आपका जुलाई का इंपॉर्टेंट जीके है तो प्लीज आप याद रखिएगा, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है आपका? ये थर्ड एडिशन है, दिस इज द थर्ड एडिशन। तीसरे नंबर की रिपोर्ट में भारत तीसरे नंबर पे आया, नंबर 1 पे कौन है वेस्ट में आपका? चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है आपका? USA। ओके, इन तीनों देशों में मिलाकर लगभग 40% यही लोग फैलाते हैं, ठीक है, मतलब 5 में से 2 कचरा जो है वो इन 3 देशों से निकलता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा। सॉरी, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? ये तो बहुत इजी हो गया, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर, ये खबर तो सबने पढ़ी होगी। फ्रांस के नए मिनिस्टर कौन बने हैं? इनका नाम क्या आपका? जीन कैस्टेक। इनका नाम क्या आपका? जीन कैस्टेक। कहां के हैं आपके? फ्रांस के। फ्रांस से इंडिया क्या ले रहा है आपका? अभी रफाइल जेट हम ले रहे हैं, डसॉल्ट एविएशन, 3 हम एक्सरसाइजेस करते हैं फ्रांस के साथ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम जो बूस्टर बैच है उसके अंदर कर चुके हैं बच्चों, हम बूस्टर बैच के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया आपका करता है, किसके साथ आपका?
फ्रांस के साथ, कौन सी? गरुड़, वरुण, शक्ति, तीन एक्सरसाइज है, गरुड़, वरुण और शक्ति। गरुड़ कौन सी है, वरुण कौन सी है और शक्ति कौन सी है, ठीक है? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए, सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, है ना, और पेरिस ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? अच्छा, मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, कितने आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? भारत इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, इंडिया का रैंक जो इसमें 117 है, इसमें जो कंट्री ने टॉप किया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये हमेशा टॉप करती है इंडेक्सेस के अंदर, इसका नाम क्या आपका? स्वीडन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करें ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ अमाउंट हम सेव कर सके। भारत का रैंक इसमें ज्यादा अच्छा नहीं आया, भारत का रैंक कितना है बेटा इसके अंदर आपका? 117। इसका रैंक कितना है आपका? 117। भारत का रैंक इतना अच्छा नहीं आया इसके अंदर। ओके, चलिए कोई बताएगा इसके। अच्छा, नंबर वन मैं बता चुका हूं आपको कि नंबर वन पे कौन आया आपका, नंबर वन पे कौन है बेटा आपका? नंबर वन पे आपका स्वीडन आया, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम वगैरह ये सब हम बता चुके हैं। इसको रिलीज कौन करता है आपका, कोई बताएगा मुझे? इसको रिलीज करता है आपका SDSN नेटवर्क। SDSN के बारे में मैंने आपका जो 300 पेजेस का PDF है उसके अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इसको कौन रिलीज करता है आपका? SDSN, ठीक है? SDSN इसको रिलीज करता है और इसमें भारत का रैंक 117 है, नंबर वन पे जो कंट्री है उसका नाम क्या आपका? स्वीडन है, ठीक है? क्लास में याद कर लिया करो, जीके बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दो बार रिवाइज करके ही हो जाता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इन 2020 एज पर कंट्रीज रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय DNB। भारत का जो मतलब पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट से आपका श्रिंक करने वाली है अकॉर्डिंग टू DNB की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का जो आपका इकोनॉमी है वो कितने परसेंट से आपका डाउन जाएगा? तो कितने परसेंट से जाएगा आपका? 5.2। यानी कि अगर 100 रुपए की हमारी इकोनॉमिक वैल्यू थी पूरे वर्ल्ड की तो वो कितनी हो जाएगी अब आपकी? 94.80 आपकी वैल्यू यहाँ पर बचने वाली है, ठीक है? 94.80 आपकी वैल्यू बच जाएगी, ठीक है? क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके, यस, DNB के अकॉर्डिंग आपका ये रहने वाला है। DNB का मतलब होता है डन एंड ब्रेड स्ट्रीट। इसका नाम क्या आपका? डन एंड ब्रेड स्ट्रीट। इसके अकॉर्डिंग, डन एंड ब्रेड स्ट्रीट के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स आया आपका आउटलुक रिपोर्ट, 5.2% से आपकी इकोनॉमी डाउन। ओके, which are the first two countries in Southeast Asian region that eliminated rubella and measles? Measles and rubella क्या होता है? बच्चों के शरीर पे दाने दाने हो जाते हैं आपके लाल रंग के, इसको completely दो देशों ने आपका हटा दिया है। उन दोनों देशों का नाम क्या क्या आपका? एक मालदीव और एक आपका श्रीलंका। मालदीव एंड श्रीलंका ने इसको completely आपका हटा दिया है, इन्होंने इसको क्या कर दिया आपका? फेस आउट कर दिया है। क्या है आपका? मीजल एंड रूबेला, ठीक है? मीजल का ही जो मतलब एग्रेसिव फॉर्म होता है वो रूबेला होता है आपका, ठीक है? और बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए भारत में भी एक स्कीम है बच्चों, जिसका नाम क्या आपका? इंद्राधनुष। इंद्राधनुष जो है वो आपके वैक्सीन है, जो जैसे रोटा वायरस वगैरह है उसके लिए भी आपका, सब चीजों के लिए आपका इंद्राधनुष क्या है आपका? वैक्सीनेशन प्रोग्राम, आपके छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम का नाम क्या आपका? इंद्राधनुष, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं बेटा। विच स्टेट्स लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत? पहली लोक अदालत जो है वो कहां पर आपकी शुरू हुई, वो कौन सी जगह आपकी? छत्तीसगढ़। उस जगह का नाम क्या आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या हुई आपकी? पहली ई लोक अदालत। अगर कोई पूछे कि पहली लोक अदालत आपकी कहां पर हुई तो अपना आंसर क्या होगा इसमें, हमें बिल्कुल इजी हो गया अपने लिए, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ आपका नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द नंबर ऑफ मतलब टू द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर एलिजिबल अंडर मनरेगा। सबसे मैक्सिमम पीपल आपके ऑब्वियसली यूपी में है, बट परसेंटेज वाइज कौन है आपका? छत्तीसगढ़, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट विल बी द एनुअल
median GDP growth rate in financial year 21 as per economic outlook survey of FICCI. FICCI ke according आपका जो इस time पर हमारी economy है उसका GDP growth rate कितना रहने वाला है? कोई मुझे बताएगा what is FICCI? Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. आपका जो FICCI है बेटा ये 1927 में बना था. Government institute से related सवाल बहुत पूछे जाते हैं law entrance examination में. 1927 में FICCI बना था आपका. इसके according भारत की जो economy मतलब जो हमारी median GDP growth है वो कितनी रहने वाली है आपकी? -4.5% आपका growth rate रहने वाला है. ठीक है, I hope यहां तक clear है सबको. We are moving at a average speed, right? ठीक है, if you haven't subscribed then do subscribe the channel. अगर आपने subscribe नहीं किया है तो आप channel को subscribe कर सकते हैं. Okay, चलिए students, next है हमारे पास. Next हम आगे आ जाते हैं. Next question, name the country which announced 10 billion digitalization fund in India. 10 billion का digitalization fund जो है वो कौन लेकर आ रहा है? आपका Google. और हमें वापस से याद रखने की digitalization थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी आपके. थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था बेटा आपका? थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था? MSME का digitalization, उसके अंदर कौन कौन से लोग थे, उसमें Google आपका included नहीं था. ठीक है, क्लियर? ओके, 10 बिलियन की फंडिंग आपका कौन डाल रहा है? आपका गूगल. गूगल और किसमें पैसे डाल रहा है? आपके जियो के अंदर. जियो में तो फेसबुक ने भी आपका 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा डाल दिया है और गूगल भी इंडिया में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ठीक है, आई होप इतना क्लियर सब बच्चों को. ओके, द यूएनस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत ही फेमस है आपका. जुलाई 11 को आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है. ठीक है, और आपको या आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं यहां पर कि हमारे देश में जो सेंसस है वो अब की बार कौन से नंबर का सेंसस होगा. सेंसस का नंबर बताना है. अगर होगा जब भी आपका, अभी तो अभी के लिए तो बैन हो चुका है, सेंसस का नंबर आपका कौन सा होगा? सबसे पहले सेंसस आपका कब हुआ था इंडिया के अंदर, ये भी आपको आंसर देना है. सेंसस का नंबर कौन सा है, सेंसस आपका सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. What will be the mean average global temperature in next 5 years as per report global annual to decadal climate update 2020-24 released by World Meteorological Organization. कितने परसेंट का आपका इंक्रीज आने वाला है? कितने परसेंट का आपका इंक्रीज आने वाला है? क्या लगता है आपको कितने परसेंट आपका इंक्रीज बढ़ जाएगा? कितना होगा आपका? 1.5 डिग्री कि अभी जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री हो जाएगा. और टारगेट क्या है कि 2050 तक जो भी ग्लोबल टेम्परेचर आपका 1850 में था एवरेज टेम्परेचर, उसके हिसाब से मैक्सिमम राइज कितना होना चाहिए आपका? 2 डिग्री सेल्सियस का. इटली ने तो एक काम और किया कि ग्लेशियर ज्यादा ना पिंगले, इसके लिए उनके ऊपर ना चादर डालना शुरू कर दिया है. आपके ऐसे ऐसे चादर डालने शुरू कर दिए कि जिससे आपकी वो ज्यादा ना पिघल जाए, आपकी जो आइस है वो ज्यादा मेल्ट ना हो, आपकी स्नो जो है वो मेल्ट ना हो, तो उसके लिए क्या कर दिया, उसके ऊपर आपका चादर डालना शुरू कर दिया. लेटेस्ट आपका इटली ने किया है ये काम, इसके पहले आई थिंक स्विट्जरलैंड भी कर चुका है. Which country has planned to host 2021 Asia Cup cricket tournament? 2021 का एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट आपका कहां पर होने वाला है? एशिया कप टूर्नामेंट आपका कहां पर होगा? क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल इजी है बेटा. ये तो ये कहां पर होगा आपका? ये मेल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, ये कहां पर होगा आपका? श्रीलंका के अंदर. ठीक है, श्रीलंका श्रीलंका के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि हमें जो एयरपोर्ट था आपका वो इन्होंने देने से मना कर दिया. अभी के लिए आपका माटला एयरपोर्ट हमें देने से मना कर दिया है. मारिया एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं आपका, माटले राजपक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका, उसको देने से मना कर दिया. उसके अलावा आपका जो चाइना है उसकी इन्वेस्टमेंट हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर भी है, कोलंबो पोर्ट के अंदर भी है. और यहाँ पर जो भाई हैं दो आपके, एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति, और उनका कजन क्या आपका वहां का फाइनेंस मिनिस्ट्री है. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है. और श्रीलंका से पुराने रिश्ते हैं अपने, कौन से? संगमिता. संगमिता अशोक की सबसे बड़ी बेटी को भेजा गया था कहां पर आपके? श्रीलंका में. Who has been named as the recipient of 2020-20? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. 2020-20 वॉन कारमान अवार्ड बाय इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स. इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स जो है ये एक फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन है बेटा. ठीक है, एक व्यक्ति थे आपके फ्रांस के,
वॉन कारमान उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है आपका। इसमें टोटल आपके आज तक 3 इंडियन, यानी कि कौन से इंडियन बने आपके, 3rd इंडियन, जो के सिवान है आपके, कैलासी वाडी वो सिवान, जो इस टाइम पे ISRO के आपके हेड हैं, के सिवान जो भाई साहब है, थर्ड इंडियन है जिनको अवार्ड आपका मिला है। इनको अवार्ड कब मिलेगा बच्चों आपका, मार्च 2021 के अंदर। आज का सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मार्च 2021 में इनको कॉन्फर किया जाएगा, थर्ड इंडियन है जिनको अवार्ड आपका मिला है, ठीक है, थर्ड इंडियन टू गेट दिस अवार्ड, तीसरे इंडियन है जिनको अवार्ड आपका मिला है, ठीक है। वॉन कारमान अवार्ड की बात करें तो वॉन कारमान अवार्ड पेपर में आ सकता है भैया 1982 में आपका ये अवार्ड क्या था, आपका इंस्टीट्यूट किया गया था, 1982 में अवार्ड आपका इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, IAA यानी कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, पेरिस। तो हमें पता चल गया कि के वेलासी सॉरी आपके जो के हैं, के का मतलब क्या होता है आपका, कैलासी वाडी वो सिवान, और थर्ड इंडियन है जिनको अवार्ड मिला है। इनसे पहले 2 इंडियन है, उडुपी रामचंद्रा राव जो थे वो पहले थे, उडुपी रामचंद्र राव वॉज दी फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड, और इनके बाद एक और को मिला था, वो मुझे नाम याद नहीं अभी के लिए। और अभी जो लेटेस्ट आपका 2021 में मिलेगा वो कौन है आपके, के सिवान, ठीक है। और कहां पर इसका हेडक्वार्टर आपका, पेरिस के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वेंट हंगरी इन 2019 एज पर UN एनुअल रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। आपका एक रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग कितने लोग जो थे आपके ये भूखे रहे आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर, 8.9 यानी कि लगभग 9% हर 100 में से आपके 9 लोग क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं, ठीक है। और लगभग 10 या 15 लोग इसमें से ओवर ईटिंग का भी शिकार होते हैं हर 100 में से, ठीक है। तो अगर वो ओवर ईटिंग वाला इधर आ जाता है तभी तो बोलते हैं कि जितना खाना है उतना ही अपनी प्लेट में रखे, शादी में जाती शौक चढ़ जाता है सबको खाने का, नॉर्थ इंडिया में तो शादियों में पूरी GDP निकल जाती है। चलिए, नॉर्थ इंडिया में एक दिन की शादी भूटान की पूरी GDP के बराबर होता है। Which country is India's top trading partner in 2019-20? मुझे नहीं लगता इस सवाल का आंसर देना चाहिए मुझे, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि USA ने सरपास कर लिया किसको आपके, चाइना को। US ने सरपास किया किसको आपके, चाइना को इन जुलाई। हमें हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो क्या है कि जो आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना आपका, कौन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जल्दी बताइए, समझ आ गया सबको? Okay, so that's enough for the day. अभी के लिए जो हमने करना था वो हम कर चुके हैं। In case you have any doubts, तो आप लिख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, मर्जी है। जल्दी से बताइए फटाफट, if you have any doubts। कल सबका पेपर है, कुछ बच्चों का पेपर बचा हुआ है कल का, so relatively strength is lower। ये बूस्टर बैच वाला शाम का अभी रहेगा, बाकी शाम की क्लास अलग रहेगी। विनी, टेलीग्राम पर नहीं मिल रही है क्या 300 पेजेस वाली PDF? आपने बुलसाई फॉर क्लैट सर्च किया, एक ग्रुप में एंट्री आप लोगे उसमें है अवेलेबल, या फिर आप एक काम करना विनी, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप में यूट्यूब ग्रुप है, उसमें चले जाओ आप, यूट्यूब ग्रुप में जाकर आप जल्दी से जल्दी यूट्यूब ग्रुप में जाकर क्या कीजिए, वहां पर मैसेज कर दीजिए, आपके पास आ जाएगी वो PDF। बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी को भी वीडियो में बैठे रहकर, फटाफट आप लोग अपनी तैयारी करिए शुरू। जो इंपॉर्टेंट न्यूज था वो मैंने कवर कर दिया, बाकी बूस्टर बैच में PPT से ही करेंगे हम लोग, बूस्टर बैच में PPT। ये 2 दिन के लिए मंडे ट्यूसडे, कल भी GK क्लास है 8:00। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई डाउट है तो आप डाउट लिख दीजिए। बाकी अभी मैं ओवर कर रहा हूं क्लास को।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगरता, विनी, आनंद पटेल, मनीषा, रवनीत, विनी, मिली त्रिवेदी, दीपक पटेल, थैंक यू सो मच, मानसी कोटारा, अभिषेक, आशुतोष, सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास लगाने के लिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।